द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, जिसकी खूबसूरती की चर्चा देश भर में होती है। इस शहर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये है इस शहर के आकर्षण का विषय। किंतु जब अर्थ प्रकाश की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर्स की मार्केट की तरफ रुख किया तो तस्वीर कुछ और ही दिखी। चलिए एक नज़र डालते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 29C की मार्केट, जहां हमारे संवाददाता ने पहुंचकर व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उजागर करने की हिम्मत जुटाई। मेरा नाम हरीश चंद्र छावड़ा। क्या समस्याएं आ रही हैं मार्केट में? समस्या ये है कि हमारी गांधी रेडी अखाड़ा मार्केट शहर की सबसे पुरानी रेडी मार्केट है। ये सन 1970 से सेक्टर 27 में बसी हुई थी और प्रशासन ने हमें 7-8 बार उजाड़ा और बसाया। ये मार्केट यहाँ पर सन 1979 से यहाँ पर बसी हुई है। सन 1992 में वहाँ पर तत्कालीन हरमोहन धवन जी थे, MP और मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने पूरी चंडीगढ़ की रेडी मार्केटें, 23 रेडी मार्केटें थी, सब रेडी मार्केटों को रजिस्टर्ड करवाया 100-100 रुपए लेके, और सबके 3-3 हज़ार रुपए जमा करवाए और हमारे साथ वादा किया गया कि हमें एक साल के अंदर अंदर पक्के बूथ दे देंगे। तो बूथ मिले अभी तक? अभी तक नहीं मिले जी, लेकिन 3 रेडी मार्केटें जो ऐसी हैं सेक्टर 27-28 और सेक्टर 28-29 और राम दरबार, जिसमें कि 209 दुकानदार ऐसे हैं जिनको अभी तक बूथ नहीं मिले। नहीं, तो इसको लेकर कभी प्रशासन को कोई मैसेज दिया गया आपकी तरफ से? हमने बहुत बारी मिले हैं, कम से कम सैकड़ों बारी मिले हैं, DC से, एडवाइजर से, गवर्नर से, मौजूदा MP से भी मिले हैं, लेकिन वो हमें आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मौजूदा MP जो किरण मैम ने कुछ आपको जवाब दिया इसको लेकर कि? हाँ जी, उनसे भी मिले थे जी, उन्होंने मार्क किए थे एप्लीकेशन गवर्नर को, गवर्नर ने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी थी स्टेट हाउस में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन पिछले 5 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा काम हुआ। एक हमारी सबसे बड़ी एक समस्या और है कि हमारी मार्केट में बहुत से दुकानदारों की डेथ हो चुकी है। 2004 से पहले जो प्रशासन डेथ ट्रांसफर केस को ट्रांसफर कर देता था जिनकी डेथ होती थी, लेकिन 2004 के बाद उनको रोक लगा दिया। हमारी ये सरकार से पुरजोर डिमांड है कि 2004 के बाद जो डेथ ट्रांसफर केस रुके हुए हैं उनको वारिसों के नाम ट्रांसफर किए जाएं, ताकि जो वारिस है उनको अपना हक मिले। पानी की दिक्कत है या पानी आता है? पानी आता नहीं। कब से? 9 बजे शाम सवेरे बंद हो जाता है, शाम को 6 बजे आता है। तो यहाँ कोई पानी का मतलब टैंकी वगैरह लगाई गई है कि कुछ? कोई टैंकी नहीं है, टैंकी टूंकी कुछ नहीं लगी है। पहले हर मार्केट में एक एक नलका था, उसका कोई चार्ज नहीं होता था, अब जो है अब हर मार्केट से नलके हटा दिए गए। तो आपने बोला नहीं कि अगर ये नलके तोड़े जा रहे हैं तो इसकी जगह कोई नई लगाओगे या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो तो बोलते हैं कि वो जो डेंगू वाले थे पहले हम स्टोर करके रखते, कोई टैंकी वगैरह करते थे, अब वो भी तोड़ देते हैं और वो बोलते हैं भाई उसके बाद यहाँ सब मार्केट से। तो आपने बोला नहीं अगर ये आप तोड़ रहे हो तो हम पानी कहाँ से पियेंगे? भाई यही है ना, यही तो सवाल है हमारा कि पानी कहाँ से पियेंगे। अभी देखो किसी कहीं पे है, भर के लाना पड़ता मंदिर वगैरह। अब ये लोग अपना टैंकर लेके ना, टैंकर लेके अपना वो काम चला रहे हैं, प्राइवेट पैसों का 600 रुपए का टैंकर लेके अपना काम चला रहे हैं। तो व्यापारी जो है हर प्रकार के टैक्स भरता है, तो टैक्स के रिगार्डिंग जैसे GST वगैरह और कुछ लेकर, तो फिर भी व्यापारियों को स्टेट ऑफिस या किसी और की तरफ से सताया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय? इस समस्या को लेके हम काउंसलर है सत्यदेव काली जी, इनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हमारी मार्केट में नलका नहीं लगा। और बाथरूम जो है तो शौचालय की व्यवस्था है तो यहाँ पर कैसी है? नहीं, शौचालय तो है लेकिन अभी जैसे जिस हिसाब से मतलब अब वो बोलते कई बार टॉयलेट में साबुन नहीं होता है, कई बार ऐसे अंदर डल के वगैरह टूके होते हैं। तो साफ सफाई को लेकर कोई वहाँ पर सफाई कर्मचारी बिठाया बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे कोई चीज है ही नहीं, हमारे पास कहाँ से कोई भी, हमारे पास कोई सुविधा होती नहीं है, अगर उनके पास कोई हो तो अगला बोले हम तो रेडी मार्ग में कोई बाथरूम नहीं है, पक्की मार्ग में? हाँ पक्की में है, लेकिन चलो पक्की की बात करें, हम आदमी रेडी मार्केट से पक्की मार्केट, रेडी मार्केट में नहीं है, रेडी मार्केट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की ना टॉयलेट की। और दूसरी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है कि नहीं? साफ सफाई का तो ठीक है पहले से अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसे पहले जो बोलते कोई स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही है जो मूलभूत सुविधा है, जैसे अभी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो अभी देखो यहाँ दुकानें आधी से ज्यादा बंद पड़ी, इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कोई बाहर से आके कोई कस्टमर आए या कोई उनके लिए स्पेशल चीज़ है, जो कस्टमर यहाँ आए कुछ है ही नहीं, क्या 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 देखने आएगा, क्या लेने आएगा, यहाँ कोई चीज़ हो ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी जो यहाँ पे कोई जैसे ग्राउंड में यहाँ पे कोई फुहारा लगा हो,
कोई जैसे सतारा वगैरह में कोई बहुत अच्छी चीजें लोग देखने जाते हैं गवर्नमेंट की तरह। हाँ स्पेशल कोई हाँ कुछ नहीं है तो इसलिए लोग आते नहीं यहाँ, जहाँ पे आकर्षण के केंद्र आजकल तो सब लंडे जाते हैं वगैरह जाते हैं यहाँ पे, इसलिए कोई दुकानदार टिकता नहीं। तो आप कुछ सजेशन देना चाहोगे ऐसा कुछ किया जाए प्रशासन की तरफ से, आपकी भी मार्केट की तरफ लोग आकर्षित। हम तो ये कहते हैं कि 30 साल हो गया यहाँ बैठे को, हमें स्थायी जगह दी जाए, वहाँ जाकर हम अपना जो है आकर्षण वाला क्या बोल रहे हैं प्रशासन से ही रिक्वेस्ट है कि जैसी रेडी मार्केटों पर जगह देगी पक्की, वैसे हमें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से, बहुत साल हो गए 35-40 साल हमें धक्के खाते हो गए, वर्षा काल में हमारे पैसे हाउसिंग बोर्ड में जमा है तो बाकी मेरे हमारे लिए अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया लेकिन हमारी फाइजन नहीं पहले, हमारी ही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से दिया जाए पक्की जगह। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट।